हिमाचल में बीती रात कई स्थानों पर आंधी के साथ हल्की बारिश हुई तो ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी हुई है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल के पास हिमखंड गिरने के कारण चंद्रा नदी का बहाव अवरुद्ध हो गया था। हालांकि अब नदी का बहाव सुचारू हो गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लाहौल स्पीति पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए सिस्सू व आसपास आए पर्यटकों को ये चेतावनी दी है कि नदी के तट पर ना जाएं। कभी भी नदी विकराल रूप धारण कर सकती है। नदी का जलस्तर सिस्सू की तरफ कभी भी बढ़ सकता है। पुलिस ने क्षेत्र में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है ताकि कोई भी पर्यटक अनजाने में नदी के तट की ओर रुख ना करे। लाहौल स्पीति पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि भूस्खलन से हुए नुकसान के कारण सेल्फी पॉइंट पर सड़क साफ करने का काम चल रहा है। सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र में जाने से बचें। वहीं बर्फबारी, हिमपात और बारिश के साथ आंधी ने बागवानों और किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इन दिनों सेब में फूल आ रहे हैं और गेहूं पककर तैयार होने को है, जबकि पलम, आड़ू, खुमानी आदि फल लगे हुए हैं। सेब में फूलों के आने पर तापमान में गिरावट इसकी सेटिंग के लिए नुकसानदायक है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।